आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में बल्ले से धमाल मचाने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के प्रदर्शन की चारों ओर चर्चा हो रही है। वेंकटेश को आईपीएल के 14वें सीजन की खोज भी माना जा रहा है। उन्होंने इस सीजन में 10 मैचों में 41.11 की औसत से 370 रन बनाए और 4 अर्धशतक भी जड़े। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी से भी 3 बड़े विकेट चटकाए हैं। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए नेट बॉलर भी चुना गया। इसी बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में वेंकटेश ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में बतौर नेट बॉलर चुने जाने पर काफी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे ये मौका मिला है और मैं अब इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। मुझे आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले वेंकटेश ने बीकॉम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी की थी। 2016 में उन्होंने सीए की इंटरमीडिएट एग्जाम भी पास कर ली थी। इसी दौरान उन्होंने एमबीए में भी एडमिशन लिया, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने पर फोकस किया। वेंकटेश ने आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 32 गेंदों पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन उनकी ये पारी टीम के काम नहीं आ सकी और टीम ट्रॉफी जीतने से चूक गई। उन्होंने क्वालिफायर 2 में भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 41 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली थी।